जिस वक्त क्वार्टर फाइनल मैच हरियाणा बनाम राजस्थान, तो उसका वक्त देखते हैं किसकी झोली में जाता है। हरियाणा का कॉल और टॉस जीतने में कामयाब चॉइस कोर्ट। ये है राजस्थान की टीम, लगातार जीत का सिलसिला। ये है निर्णायक टीम इस समय, और ये देखिए हरियाणा जो कि पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, मेजबान कर्नाटक को पराजित करते हुए। देखते हैं राजस्थान के सामने बालिका वर्ग में हरियाणा कैसे प्रदर्शन करता है इस सेमीफाइनल में। लीजिए इस वक्त राजस्थान की ओर से पहली रेड लेकर संजना बुरी, जो टीम की सबसे बेहतरीन स्टार में से एक, इनके ऊपर ही राजस्थान कहीं ना कहीं निर्भर होगा। शुरुआत किसकी अच्छी रहती है देखते हैं। आखिर सेफ पहली रेड के ऊपर 17 नंबर में इस समय सारिका यादव। पहले पॉइंट की तलाश दोनों ही टीमों को, बेहतरीन जोश और जज्बा इसमें हरियाणा प्रदेश का। और यहां टच पॉइंट की कोशिश कॉर्नर से, लेकिन सेफ ही वापस। इधर से अब टीम के कप्तान 3 नंबर में नेहा सैनी। सैनी का सुरमा देखते हैं कितना बेहतरीन होता है। दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत, इसलिए गलतियों से बचने की कोशिश और एक अच्छी शुरुआत इस समय। यहां राजस्थान के 1 पॉइंट के साथ अच्छा शुरुआत यहां करता हुआ इस समय कप्तान की बेहतरीन डाइव हवा में लक्ष्य तक पहुंचते हुए नेहा सैनी। तो सैनी शानदार सुर में अच्छी लय में दिखाई देती हुई 1-0 से आगे। और इधर से यहां खुशी ने पॉइंट चुरा लिया है। 1-1 से लेवल होता हुआ स्कोर, संजना पूरी चली है इस वक्त। खेल जो जो आगे बढ़ेगा रोमांच बेहतरीन दिखाई देगा। एक बार उधर तो एक बार इधर बालिका वर्ग में इस समय देखिए 67th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 तीसरा दिन सेमीफाइनल मुकाबला हरियाणा बनाम राजस्थान। दो प्रदेश मजबूत, और यहां गलती करता हुआ राजस्थान एक और सफल रेड इस समय 22 नंबर दर्शे में 2-1 से आगे इस समय हरियाणा। और यहां इधर से भी गलती ढूंढने में कामयाब राजस्थान। मुस्कान चली है बेहतरीन कांटे की टक्कर इस समय 3-2 के स्कोर में इस समय। और यहां वही पुनरावृत्ति, एक बार इधर एक बार उधर, पलक को बाहर भेजता हुआ 18 नंबर से देखे मुस्कान। लेकिन टीम के कप्तान फिर से आ गई हैं, मुश्किलें बढ़ती हुई। 3-3 से स्कोर, दोनों तरफ ही दबाव होगा, आसान राहें नहीं है। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट पक्का करेगी, लेकिन कहना मुश्किल कि जीत किसकी होगी। तराजू की तरफ पलड़े बराबर, और यहां बगर की शेंके वापस नेहा सैनी। 22 नंबर जर्सी में चले हैं इस वक्त मुस्कान। देखते हैं आखिर कैसा रुख अपनाती है मुस्कान, उभरते हुए स्टार। 3 मुस्कान खेल रही इस मैच में, आपको बता दें। संजना शायद आगे बढ़ेगी या 10 नंबर को भेजा गया है। बेहद रोमांचक मैच, कांटे की टक्कर कभी उधर कभी इधर। और यहां बोनस का ट्राई करता हुआ, जी हां बोनस के साथ बढ़त पे राजस्थान। 18 नंबर में चली है इस समय मुस्कान। देखते हैं आखिर पॉइंट निकाल पाते हैं कि नहीं। 1 अंक पीछे हरियाणा इस वक्त है। बेहतरीन बालिकाएं हरियाणा और राजस्थान प्रदेश की होनार बेटियां, उभरते हुए उदयमान खिलाड़ियां अपना भाग्य आजमाते हुए। सेफ कम बैक स्टार रेडर इस वक्त संजना पुरी। बेहतरीन प्रदर्शन रहा अभी तक, और अभी जीत है दोनों ही टीमें। सभी मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। दो डायरेक्ट लेकर मुस्कान, 5 का डिफेंस करोमरों की स्थिति में, मुश्किल में है थोड़ा सा हरियाणा। कॉर्नर मजबूत चाहिए राजस्थान को, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी। और ये लीजिए संजना पुरी को टच करते हुए वापिस हरियाणा, मैच में 4-4 से बराबरी पे। दो टाई रेड था दबाव रेडर पे, लेकिन हरियाणा वापस मैच में मजबूती से लौटता हुआ। बोनस का ट्राई किया है, लेकिन मुश्किल शायद ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬೇಕು।
18 नंबर में चली है इस वक्त मुस्का। तराजू की तरह पलटी बराबर, तराजू बंटवारा कर देती केले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। जी हाँ, भिवानी से अजय जी नरवाल मुस्कुरा रहे समय ना ये स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू वॉचिंग अजय जी। और यहाँ चार के डिफेंस में देखिए हरियाणा पॉइंट चुराने की कोशिश, रडर आउट यहाँ पे, राजस्थान को एक अंक मिलता हुआ और रिवी लेते हुए कैंसिल कर दिया गया पॉइंट, क्योंकि डोर डायरेक्ट नहीं था, बाय मिस्टेक अंपायर से गलती हुआ और उसे वापस लिया गलती को। चार चार से स्कोर लेवल, दो डायरेक्ट इधर राजस्थान की मुश्किलें राजस्थान की, और रडर आउट यहाँ पे। जी हाँ, हरियाणा बढ़त पे है इस वक्त, सेकंड टाइम बढ़त बनाई है 22 नंबर में इस वक्त मुस्कान। देखते हैं सुपर टेकल में राजस्थान, मुश्किलें बढ़ते हुए राजस्थान की, क्योंकि संजना बाहर है इसलिए, और टेकल कर लिया गया है सुपर टेकल से, 2 पॉइंट राजस्थान के रन में। इस सुपर टेकल की बदौलत बढ़त बनाता हुआ एक बार फिर से 6 पे पहुंचा, एक अंक की लीड, और सुपर टेकल संजीवनी का कार्य करता हुआ राजस्थान के लिए। राजस्थान से इस समय देखे पिंक सिटी जयपुर से विष्णुजी शर्मा, थैंक यू सो मच, बधाई देते हुए इस समय टीम को अग्रिम। नेहा सैनी टीम की कप्तान, और बेहतरीन प्रदर्शन अब तक है लगभग सभी मैच जीते। चार का डिफेंस इसमें सुपर टेकल से बाहर आ गया है राजस्थान, और देखते हैं कैसे खेल को आगे बढ़ाता। गलती की है, फिर से बड़ी गलती होगी इस प्रकार की, वापस मैच में 6-6 से बराबरी पे, बेहद कांटे की टक्कर, दिल की धड़कने बढ़ा देने वाला ये सेमीफाइनल मुकाबला। देखिए फाइनल के लिए जंग इस समय दोनों पड़ोसी राज्य हरियाणा बनाम राजस्थान, और इस वक्त एक नंबर जर्सी में देखिए आईना सेफ ही वापस लौटी है। 18 नंबर जर्सी में इस समय देखिए सुरक्षा कितनी सुरक्षित है, वो वापस लौटती है। सुपर टेकल है, पिछले सुपर टेकल से 2 अंक कमाए थे हरियाणा ने, कमजोर यहाँ कॉर्नर पे आईना, कहीं ना कहीं कवर करना चाहिए, शालिनी है कॉर्नर पे, जबकि दूसरे कॉर्नर पे आईना, आईना बढ़ी है आगे। डो डाई का संकट है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त इस समय हरियाणा के पास है, क्योंकि 3 का डिफेंस राजस्थान के पास, जबकि 7 के डिफेंस में है, और यहां बढ़त का सिलसिला शुरू यहां से हरियाणा का। अब मुश्किलें बढ़ेंगी, सुरक्षा ही आगे आ रही है इस वक्त, 2 के डिफेंस में सुपर टेकल संकट है, और यहां आसान अंक अर्जित करता हुआ हरियाणा एक बार फिर। बढ़त का सिलसिला है हरियाणा का इस वक्त 8-6 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त, ऑल आउट का खतरा, और यहां इसी के साथ राजस्थान ऑल आउट, 2 अंकों में 11 पे हरियाणा, 11 पे पहुंचते हुए 5 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब हरियाणा इस वक्त। और मैंने कहा था कि बढ़त का सिलसिला शुरू, और अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, थाई होल्ड लाजवाब है राजस्थान का, ये एक अच्छा कार्य किया इस समय राजस्थान ने 1 पॉइंट के साथ बढ़त को कम करता हुआ। संजनापुरी आगे जाना ही होगा, नहीं तो मजबूत होगा हरियाणा फिर से, 4 अंक की बढ़त है, और यहाँ पहुंच गए, ये बड़ी रन है इस समय संजनापुरी की, वाह, बोनस के साथ 3 पॉइंट, स्कोर लेवल होता हुआ 11-11, एक रेड से खेल बदल गया है, इसीलिए इन्हें स्टार कहा जाता है, चमकते सितारे की तरह संजनापुरी। और यहाँ गलती कॉर्नर से फिर से आईना कमजोर, बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया, इसका मतलब 2 अंक की बढ़त फिर से हरियाणा के पास। 4 का डिफेंस, हालांकि कैच करते तो फिर सुपर टेकल का संकट होता, लेकिन 2 अंक गंवाए। सेफी वापस आते हुए यहाँ सुरक्षा ही आगे चली है, मजबूत डिफेंस एक बार फिर से दिखाई देता हुआ। ऑल आउट के बाद लग रहा था कि मुश्किल होगा वापस लौटना, लेकिन क्या ग्रेट कमबैक किया है एक बड़ी रेड से, करो मरो की स्थिति इस समय। और यहाँ कमजोर पक्ष, पकड़ अच्छी नहीं थी, 1 अंक हरियाणा की झोली में, 14 पे पहुंचता हुआ बढ़त 3 अंक की, और जो कमजोर थोड़ा सा डिफेंस दिखाई दिया था उससे वापस निकलता हुआ हरियाणा। संजनापुरी कैच की कोशिश होगी, क्योंकि डिफेंस भी इधर से काफी मजबूत। खुशी
18 नंबर की बेहतरीन स्टार इस वक्त सेफी वापस टू डाई रेड लेकर चले हैं समय टीम के कप्तान। यहाँ जिधर पॉइंट जाएगा मनोबल उसी का मजबूत होगा। 14-11 यानी 3 अंक की बढ़त है हरियाणा के पास। नेहा सैनी अंडर प्रेशर इस समय का दबाव होगा। 11 सेकंड शेष है, आगे जाना ही होगा। मुश्किलें बढ़ते हुए राजस्थान की ओर, ये देखें 2.5 सेकंड अर्जित करता हरियाणा। सुरक्षा 18 नंबर में इस वक्त बढ़त देखिए 4 रन की है। 4 का डिफेंस मुश्किल में, मजबूत टेकल चाहिए नहीं तो फिर से ऑल आउट का खतरा बढ़ सकता है राजस्थान के लिए। सुरक्षित वापस संजनापुरी, बड़ी रेड चाहिए वापसी के लिए। दबाव बनाने में कामयाब हरियाणा अब तक इस मैच में। दो ढाई ले गया सारिका यादव। देखे इस समय उर्फ बुचा आक्रामक खिलाड़ियों में से एक और खतरा कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए बन सकती है। इस समय सारिका ज्यादा आगे चले गए हैं, बाहर भेजने में कामयाब। अच्छा कार्य किया और बड़ी देर के बाद एक अंक राजस्थान को। अच्छा कार्य किया, अब सिर्फ 2 अंक पीछे है राजस्थान। 5 के डिफेंस में 10 नंबर के जर्सी में इस समय शालिनी सेव। सेमीफाइनल हरियाणा बनाम राजस्थान, बेहद रोमांचक। 3 अंक की लीड है इस समय और जबरदस्त टाई होल्ड यहां पे। वाह भाई वाह, चिंटू का चमकदार टेकल यहां पे। इस प्रकार का शिकार राजस्थान को बढ़त दिला सकता है। पिछले मैच में भी इसी प्रकार से कैच दिखाए थे चिंटू ने, स्टार कैचर। और यहां बेहतरीन टेकल है इस समय हरियाणा का, अब छोड़ने वाला नहीं। इधर से करारा जवाब, परिवर्तन के तौर पे चले हैं इसमें मुस्कान। 16-23 यानी 3 अंक की बढ़त, फिर से वही रेड। दबाव में राजस्थान थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हरियाणा के पास, और स्कोर में भी 3 अंक की लीड दिखाई दे रही है। और दूसरे हाफ में इसका दबाव बढ़ेगा कहीं ना कहीं, यदि बढ़त को काटने में असफल रहता है तो। हाफ टाइम इसी के साथ, तो पहला हाफ हरियाणा के नाम 3 पॉइंट की बढ़त के साथ, और सेकंड हाफ लीजिए इस समय। देखते हैं यहाँ 22 नंबर जर्सी में देखिएगा मुस्कान, बेहतरीन रनर मुस्कान। एक बार फिर से 22 नंबर जर्सी में हरियाणा के पास बढ़त, इसलिए मनोवैज्ञानिक लीड भी हरियाणा के पास। 5 का डिफेंस देखते हैं आखिर, सेफी वापस आना चाहेंगे। इधर से भी सेफ रेड का मुजाहिरा सारिका। 3 अंक की बढ़त, जिस प्रकार से पहले हाफ पे उस बढ़त को काटना कठिन चुनौती होगा राजस्थान के लिए। सेफ इधर से टू डाई रेड लेकर चली है समय 20 नंबर में अंजलि। देखते हैं आखिर अंजलि किस प्रकार से आगे बढ़ाती है। संभवतः इनकी पहला रेड है यहाँ पे। 5 का डिफेंस सेमीफाइनल में, और यहाँ अच्छा नियंत्रण है इस समय। और एंगल होल्ड कॉर्नर पे 4 नंबर दर्शे में सेकंड हाफ में राजस्थान को अंक मिलता हुआ। 14-16 यानी 2 अंक पीछे है सिर्फ राजस्थान। एक और अच्छी रेड चाहिए ताकि डिफेंस को कमजोर किया जा सके। 10 नंबर में देखते हैं आखिर कॉर्नर, हालांकि इतना कमजोर नहीं है हरियाणा का। बढ़त जिस प्रकार से बनाई, परीक्षा है यहाँ, और बड़ी रेड हो सकती है, लेकिन साइड लाइन से बाहर जाना होगा इस समय है राजस्थान को। वापस देखिए 3 अंक की लीड बनाता हुआ 14-17 के स्कोर में, लेकिन इस समय मुस्कान देखते हैं 22 नंबर में हौसला बुलंद है। इस समय 7वें आसमान पे समय व्यतीत करना लाजमी। आई ना चली है, माफ कीजिए शालिनी, डी लाइन को छूकर वापस 22 नंबर में। फिर से वही राइडर मुस्कान, जो की हरियाणा के चेहरे पे मुस्कान बिखेरती हुई बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 3 अंक की बढ़त है। 5 का डिफेंस जो कहती हूँ समय व्यतीत करता हुआ इस समय हरियाणा। लीजिए टीम के कप्तान इस समय लीजिए
तीन नंबर से इस समय कप्तान है नेहा सैनी, अच्छी रेड चाहिए कम से कम एक ताकि वापस मैच में लौट सके। तीन अंक पीछे है मैच में, देखते हैं डिफेंस पांच का दबाव बढ़ता हुआ। सेफी वापस सारिका यादव डो डायरेक्ट लेकर, सारिका देखते हैं आखिर कैसे खेल को आगे बढ़ाएंगी। गलतियों से बचने की कोशिश की जा रही है दोनों ही साइड से, लेकिन जो बढ़त हरियाणा के पास संतुष्ट होगा अपने प्रदर्शन से अब तक। और यहाँ अंक बटोरने में कामयाब हरियाणा आखिर। लीजिए तीन नंबर में फिर से टीम के कप्तान आगे बढ़े हैं डो डायरेक्ट लेकर, जोखिम के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। मजबूत डिफेंस इसमें हरियाणा का और कमाल का पकड़ हुआ, अब पीछे हटने वाला नहीं है हरियाणा कहीं ना कहीं। ऑल आउट का खतरा होगा, सिर्फ दो का डिफेंस है, सुपर टेकल का संकट। साक्षी देखते हैं यहाँ पे फायदा उठाना चाहेंगे इस समय कमजोरियों का। पलक और उनके साथ हैं शालिनी, संकट में राजस्थान। सेफी वापस जोखिम से बचता हुआ हरियाणा, दो का डिफेंस इस वक्त शालिनी पलक के बीच। तालमेल चाहिए लेकिन उस तालमेल को भेदने के लिए सारिका देखे प्रयासरत, लेकिन आसान नहीं इतना, कहीं लेने की देने ना पड़ जाए। उसी को देखते हुए सेफ वापस एक बार फिर छह नंबर में पलक राइट कॉर्नर से सेफ वापस लौटते हुए दो डायरेक्ट लेकर देखेगा इस वक्त सारिका यादव। यहाँ हलचल जरूर, पॉइंट या तो गंवा दो या फिर अर्जित कर लो, और यहाँ शालिनी को बाहर भेज दिया। ऑल आउट का खतरा, डू और डाई अंतिम खिलाड़ी छह नंबर के जर्सी में इसमें पलक है। 21 पे पहुंचता हुआ सात अंक की मजबूत लीड हरियाणा के पास है। और इससे पहले जो पुरुष वर्ग में कर्नाटक के साथ खेला गया हरियाणा क्वार्टर फाइनल, शानदार जीत दर्ज करते हुए 22 अंक से सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन यहां सेमीफाइनल से हरियाणा बालिका टीम कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंचेगा। और कैच यहां कर लिया शायद मारेवाज कानों तक पहुंची बोनस इसी बीच राजस्थान की झोली में। 15-24 नौ अंक की बढ़त और इस बढ़त के साथ हरियाणा कहीं ना कहीं बुलंदियों पे साबित करता हुआ कि वो खेलों में सिरमौर है। और कॉर्नर से देखिए पॉइंट चुराते हुए इस समय साक्षी शानदार लय में, लगातार मजबूती की ओर। संजना पुरी को जोखिम उठाने की जरूरत है, कमर कसता हुआ इस समय, और यहाँ बड़ी रन होगी दो पॉइंट। जी हाँ, दो पॉइंट के साथ उम्मीद है जिंदा राजस्थान। 17-26 नौ अंक अभी भी पीछे, लेकिन सारिका यादव देखिए इसमें तूफान के नाम से मशहूर, इनका खेल ही तूफानी अंदाज में। और ये देखिए हवा में गोता लगाते हुए एक बहादुर पॉइंट, 17 ने सात नंबर को बाहर भेजा। संजना पुरी इनके इर्द गिर्द अब राजस्थान, बड़ी रन चाहिए और बटोर लिया है अंक यहां से, फिर से एक अंक अर्जित करने में कामयाब संजना पुरी। लेकिन कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, नौ अंक अभी भी पीछे मैच में, अंक यहां गवाता हुआ पुनरावर्ती। संजना पुरी चित परिचित अंदाज, जबरदस्त प्रदर्शन, लेकिन यहां यदि हारता है तो वो अनफॉर्चुनेटली ही माना जाएगा संजना पुरी और नेहा सैनी के दृष्टिकोण से। और ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश, बेहतरीन टेकल, हरियाणा काफी मजबूत इस समय, मंत्रणा इस समय। और सारिका देखते हैं आखिर क्या टिप्स लेकर आगे बढ़ी है, 11 अंक की बढ़त और बेहद मजबूत इस समय। समय व्यतीत करना स्वाभाविक, समय बिताकर वापिस लौटा। 10 नंबर में इस वक्त अंडर प्रेशर, 18 राजस्थान जबकि 29 हरियाणा, 11 अंक की बढ़त के साथ है। क्या यहां मिलेगा अंक? जी हां, एक अंक राजस्थान को फिर से। संघर्ष जरूर कर पा रहा है राजस्थान, लेकिन बढ़त को काटने में अभी तक असफल है। बढ़त मजबूत दिखाई दे रही है, 10 अंक की 29-19 का स्कोर, और 10 अंक की लीड को काटना कतई आसान नहीं होगा। दबाव में गलती करता हुआ इस समय आईना कमजोर, इस समय कप्तान चली है इस समय जोखिम के लिए। देखते हैं आखिर कितना जोखिम वो उठाती है और कितनी सफल रहती है। मजबूत डिफेंस से इस समय मौके की तलाश में, 11 अंक की बढ़त फिर से हरियाणा की हरियाली में।
कप्तान को जोखिम के लिए जाना ही होगा क्योंकि दूसरे हाफ का खेल तेजी से समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 5 का डिफेंस है लेकिन कमजोर बीच बीच में जो गलतियां की हैं उसी के चलते बैकफुट पे चला गया। 5 मिनट का समय शेष, 11 की बढ़त है, रिप्लेस किया है, 11 नंबर को अंदर लिया है राजस्थान ने, 4 नंबर को बाहर भेजते हुए शालिनी को आराम दिया गया है। और यहां पहली ही रेड सब्स्टिट्यूट के असफल हरियाणा एक बार फिर से बेहतरीन टेकल की बदौलत मजबूत। वापसी करना यहां कतई आसान नहीं है, अब संकट में और अब समय गुजारना यानी कि अब दबाव का बढ़ाना राजस्थान के ऊपर। ये देखिए इत्मीनान के साथ जोखिम से बचना चाहेगा और ललचाने की कोशिश ताकि राजस्थान गलती करे और बढ़त और मजबूत हो हरियाणा की। 3 नंबर में टीम की कप्तान इस समय नेहा सैनी उतनी शानदार लय में नहीं है, वापस अपने हरियाणा की पक्ष में। लग रहा था कि पॉइंट राजस्थान की तरफ जाएगा लेकिन आखिर हरियाणा ने वापस खींच लिया 2 डाई रेड लेकर इस समय। देखते हैं मुस्कान सुपर टेकल भी 2 डाई भी, दोनों ही तरफ दबाव और यहां बाहर जाना होगा। सुपर टेकल से राजस्थान को 2 पॉइंट। संजना पूरी चली है 21 पे पहुंचता हुआ राजस्थान लेकिन बढ़त इस समय हरियाणा के पास 11 की अभी भी 32 पे मजबूत। कॉर्नर से पॉइंट चुराया चेहरे के ऊपर, देखिए कितनी मजबूत स्टार है इस समय संजना पूरी। कॉर्नर के ऊपर चेहरे के ऊपर किक किया था और 1 अंक बटोरा लेकिन इस वक्त देखिए 3 मिनट का खेल शेष, 22-32 का स्कोर, 10 अंक आगे इस समय हरियाणा राजस्थान से। दूधिया रोशनी में इस समय ये चैंपियनशिप का 3रा दिन और कल यहां फाइनल खेले जाने हैं। संजना पूरी ही फिर से चली है, पिछली रेड सफल थी, फिर से जोखिम उठाना चाहेंगे, बोनस ऑफ इसलिए कतई आसान नहीं, बड़ी रेड चाहिए, समय का दबाव जो इंतजार नहीं करता किसी का। और यहाँ पकड़ मजबूत है, छोड़ने वाला नहीं, अब फिर से बढ़त 11 अंक की 33-22 यानी राजस्थान 22 हरियाणा 33। क्या संयोग है, क्या योग है, क्या स्कोर है, 2 मिनट का खेल शेष, 11 अंक की बढ़त और गलती करता हुआ देखिए ललचाया, मजबूर किया, उसका फायदा उठाया। 34 पे पहुंचता हुआ 12 अंक की बढ़त और अब इस तकरीबन 90 सेकंड के खेल में बढ़त को काटना कतई आसान नहीं है, 1 अंक जरूर अर्जित किया बोनस के साथ। 24-34 के स्कोर में सारिका यादव, 10 अंक की बढ़त है, तकरीबन 70 सेकंड का खेल शेष, बेहद संकट में राजस्थान, यहां शायद चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता। अब हरियाणा फाइनल में दिखाई दे रहा है जीत की तरफ, समय बिताता हुआ वापस और अंतिम 60 सेकंड के आसपास समय, जी हां 60 सेकंड का खेल, 10 अंक की बढ़त हरियाणा की, जीत सुनिश्चित है, जीत की खुशबू हरियाणा को आने लगी। और ये देखिए हवा में ही इस समय कैच करता हुआ, बढ़त फिर से 11 अंक की और अब जीत के बेहद करीब। लीजिए इसी के साथ हार स्वीकार राजस्थान, यहाँ अनफॉर्चुनेटली 11-12 पॉइंट से मैच हारता हुआ यहाँ पे 36-34 के स्कोर में हरियाणा ने 12 अंकों से जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट पक्का किया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस हरियाणा फॉर द फाइनल।